सुधीर जी साला स्टार में आए किसी और में आए कोई दिक्कत नहीं, हम तो इसलिए परेशान है हिसार से फोन। भाई साहब ये सुभाष जी से बात नहीं हुई क्या? क्या बात है, सुभाष चंद्र जी से बात कर लो, क्यों दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? या तो ये है कि भाई जी इतना प्रोफेशनल हो गया कि सुभाष चंद्र जी की भी बात नहीं मान रहा है कि कहीं उन्होंने कहा कि नवीन जी को ठोक दो। अच्छा नवीन जी का इंटरव्यू लिया, फिर इंटरव्यू लेके छापा नहीं जी ने, उसको दिखाया नहीं कहीं, कहीं ना कहीं तो सुधीर भाई कुछ ना कुछ बात होगी, और इसको मरवा दिया आपने भाई को, रवि को बड़ा आदमी ने आपने से मरवा दिया। इसने आगे कमिटमेंट कर दी नवीन जी को कि जी हमारे से 5 करोड़ रुपये हर साल की बात हुई है, 4 के हिसाब से बस 20 करोड़ है। अब उस दिन आगे आपने कह दिया नहीं जी, रवि तुमने आगे नवीन जी को ये बता क्या है, ये इतनी बड़ी चीज है कि एकदम 20 का बता के कि भाई 20 करोड़ रुपए हैं, 5-5 करोड़ रुपए 4 साल, और आके फिर कहें जी 25 करोड़ रुपए 4 साल के। नहीं मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत क्या है, अब फिर उनको लगती है। अच्छा ये भी नहीं मानते ना, ये भी 100% जाके फिर फोन कर देते हैं जाके जी वो समीर जी का आ रहा है कि मैं आज रात तक रुका हूँ, कल से स्टोरी चल जाएगी, कल से हो जाएगा। तो उनको लगता है कि यार ये प्रेशर तो नहीं बना रहे मेरे पे, और इसके अंदर सुभाष चंद्र जी की कंसेंट है या नहीं है, उनको ये लगता है कि यार ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ। आपने लास्ट में बात की थी, हाँ जी, मैं रेड बॉल डिस्कस नहीं करता हूँ। हाँ जी, तो आपने बोला था कि आप हम लोग प्रोफेशनल है, मैं हूँ ना हूँ ये हूँ, हाँ। आप सुभाष जी से बात कर लेना कि हमें कमर्शियल डील कर रहे हैं हम लोग के साथ। मैंने उनको खाली कमर्शियल डील बताया, उन्होंने ओके करके, तो उनकी नॉलेज में नहीं हो, हम तो कंपनी के लिए कर रहे हैं। नहीं आप तो कंपनी के लिए कर रहे हो समीर जी, पर इनकी तरफ से 20 करोड़ की कमिटमेंट आए कि आपने 20 ओके कर दिया, फिर एकदम 100 करोड़ हो जाए, और फिर सुंदर में गलती करती होगी, हम बड़ी नॉलेज जगह बैठे थे, बात होगी हमारी कॉस्टर कॉफी टिकट में बैठे, बड़ा नॉलेज था हम पर। हाँ जी, म्यूजिक पे चलता रहता है, आप कम्युनिकेशन एरर हुआ होगा, मैं चेंज करने वाला हूं। फिर उनको ये लगा कि ऐसा तो नहीं, और बार बार इच्छा ये भी पूरी आगे 100% बता देते हैं। इन्होंने 100% आगे बोले कि जी वो कह रहे हैं कि जी आज शाम तक रुके हैं जी, समीर जी का फोन आ रहा है, नहीं होगा तो कल से न्यूज चला देंगे। तो बोले यार ये मेरे को हिसार के ही हो गए, मेरे पे प्रेशराइज कर रहे हो क्या तुम लोग कि जी कर लो कर लो कर लो। जैसे इन्होंने बताया एक था कि भाई 15-20 करोड़ पर ईयर। चलो अब उसको छोड़ के आगे कैसे इसमें मारू जी, समीर जी अब इसमें आगे कैसे बढ़ना है? देखो नहीं नहीं एक ये भी बात है, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इसको इस तरह से सटल वे में दिखाएं कि कहीं दूसरे पे मैसेज ना जाए कि कहीं उनके, है ना? सुधीर भाई देखो हमारा मैं वही ये कह रहा हूँ कि एक तो हम ये चाहते हैं इस तरह से सटल वे में जाए, कहीं दूसरों को ये मैसेज ना जाए, पता नहीं इन्होंने जी के साथ कितनी बड़ी डील करी है कि जो जी ने बिल्कुल ही उसी से कर दिया, और इसको ठीक भी करना पड़ेगा इसको। देखो जो जितना बैंड हमारा बजा दिया, मैं बताता हूँ, एक तो हम ऑलरेडी जापान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑलरेडी सटल शुरू हो गया बिल्कुल, और दूसरा फेज ये है कि इसको हम इसका रिवर्स साइड है वो भी सटल तरीके से करेंगे, रिलेशनशिप विल हैव टू बी वेन-विन बोथ साइड। हमारे बॉस की मुलाकात कैसे हो सुभाष चंद्र जी से? सुभाष चंद्र उनको ये लगता है कि यार उनको वापस आ जाना, तो नहीं नहीं उनको ये लग रहा है कि 20 सुधीर जी समीर साहब उनको ये समीर जी उनको ये लग रहा है कि भाई 20 के 100 कैसे हो गए, उनकी अभी तक समझ में नहीं आया ये, पता नहीं है एक्चुअली 20 करोड़ के 100 करोड़ कैसे हो, अभी तक समझ में नहीं आ रहा ये। अब ये तो सुधीर जी 20 से 25 हो तो मालिक कहते हैं कोई बात नहीं, चलो इतना डर 20 से 100 यार 5 times ये कहा कि 20 करोड़ रुपए कर दो जी, कटिंग के पहले भी यही बात थी, सुनने में बता पूछ भी ना अटूट द अमाउंट क्या बोलो, पर है ना मैं मान सकता हूं, पर है ना ये फिगर, पर है ना पर है ना फिगर, अमाउंट कुछ नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है, मेरे साथ ही है, पहले तुम अपना वो कर लो ना, पहले अपना जो भी वो करने वाले हैं अरेंजमेंट करने वाले हैं पहले वो आप कर लो, एग्रीमेंट ना वो दिखाओ, उसके बाद देखिए बात रोड मैप ही है ना, पहले आप एक रोड मैप बना लो, फर्स्ट ईयर आई थी अरेंजमेंट इसी करेंगे, उसके बाद फिर उसको अलग भी ड्राफ्ट ही है, टाइम करने के लिए नहीं है। इसको कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, जो इमेज खराब हो गई इसमें पालो हमसे ही पूछ लें कि भाई तुम करके आ गए वो ठीक कैसे करेंगे, उन्होंने क्या इसकी कुछ उन्होंने इसकी कोई प्लानिंग बनाई है? हम तो अपना आपको रोड मैप दे दिया,
कि जी हम ये अरेंजमेंट कर देंगे, आप किने को एक प्लानिंग बनाइए इसको ठीक कैसे करोगे। देखिए एक तो ये है एंड देन मे बी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि इसके बाद कुछ ऐसी चीज नहीं है, देन मे बी उसके बाद कोई नेगेटिव नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है। सेकेंड फिर यह है कि फिर उसके बाद सोचेंगे कि उसको कैसे वो करना है, कौन सी चीज़ ऊपर डालनी है और कौन सी नीचे डाल, कि हमारी कवरेज तो वैसे तो जारी रहेगी कोर्ट पर, हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं और आज मतलब वो चलती रहेगी। मेरी इंटरव्यू लिया था ना नवीन जी का यार, वो दिखा दो यार है दिखा देंगे पक्का। चलिए कर लो फिर कुछ जो है क्या इनका वो जो भी देख लो, हाँ वो आप देख लो, बुलाओ हाँ बोलो तो उनको बोलो एग्रीमेंट देखिए चले जाए या रवि ले आएगा जाके रवि उसके बाद हम भी कोई बात नहीं, उसके बाद आप ये करिएगा कि आपका जो क्यों जी बिल्कुल मेरा वो ये है कि पहले लेट्स फॉर्मलाइज कर लेते हैं। ओके देन भी उसको बताओगे क्या क्या नहीं देखे तो सही, इतना बड़ा काम की बात कर रहे हैं कुछ दिखाओगे, अरे वो दिखा देंगे आपको 50% 25% दिखाओ कुछ दिखाओ अभी ना वालू साहब, इसको किसको हम जल्दी से जल्दी कर लेते ताकि इससे फिर हम खत्म हो एंड देन भी जो आप बोल रहे हो वो हमारी है, हम क्या करेंगे फिर उस पर जो आप बोल रहे हो ना आगे का रोड मैप फिर उस पर काम करना शुरू किया। सबसे बड़ा गेम जो है वो ये है देर इज नो फर्दर डैमेज, जो सबसे क्रिटिकल है इसमें आपके वाले मैं बता रहा हूँ कि देन देर इज फर्दर डैमेज, वो जो फर्दर डैमेज है ना वो रुक जाएगा, मतलब मे बी यू विल जस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ दैट यू नो बिग। अब इसको ये करते हैं देखो मैं आप ना इसको बाकी चीज़ों से इंडिपेंडेंट रखूँ, ये हम लोग कर लेते हैं ये करने के बाद जो मैं आपको बता रहा था ना सर द लॉजिक विच वर्क इज दिस मॉडल पे मॉडल ये वोडाफोन उसमें क्या रहता है कि यू आर वन ऑफ द क्लाइंट और फिर चैनल भी मैनेजमेंट की वजह क्या रहता है कि ठीक है दे आर फ्रेंड्स मेरे कस्टमर, उसके बाद एक एसोसिएशन बनी तब होते हैं नहीं तो उसके बाद उसके बाद तो ये फिर हम तो इतनी बार तो ऐसा होता है हम खुद ही बता देंगे आपको कि देखो आप ये टॉपिक, बट आप जिस उसमें जा रहे हो अभी आप क्या कर रहे हो आप मेरे हिसाब अभी आप वो है किसी का पेपर कुछ एक्चुअली हासिल कुछ भी नहीं है DNA की बात कर रहे हैं और सब कवर है ना जी के सारे चैनल DNA वगैरह पता लगा जी कल वो कहा जी DNA में था जी और जी न्यूज में था बाकी ने ठोक दिया हमें पहले की तरह ऑल न्यूज चैनल सर कवर ना लिमिटेड टू कंपनी है ये अखबार आप लेके आए हो ठीक है और एक अखबार आप रोज पढ़ते हो तो आप तो पढ़ते हो इकोनॉमिक टाइम आपको पता एटलीस्ट यू डूइंग अ प्रॉपर ट्रांसपेरेंट डील विद यू एटलीस्ट यू नॉट डूइंग फ्रंट पे स्टोरी विच अ पेड ईटी में तो फ्रंट पे स्टोरी दिख रही है यू डूइंग ट्रांसपेरेंट डील विद डेली टाइम्स बॉम्बे टाइम्स पूरा पेड है ए टू जी। मैं आपको एक चीज बोलता हूं Somebody like मधुर भंडारकर पेड है ये पेड है उसको अपना इंटरव्यू छपाने के लिए पे करना पड़ रहा है मधुर भंडारकर ही क्वालिफाइज एज इट इज ऑल्सो कि यार आप उसका इंटरव्यू छाप लो इट्स ऑल स्पॉन्सर्ड। मुझे आमिर खान बता रहा था एक बार ये मीडिया नेट वाले आमिर खान के पास पहुंच गए जब थ्री इडियट्स रिलीज हो रही थी बोला कि आप ये ले लो मीडिया नेट की वो हम जब आपकी पिक्चर रिलीज होगी तो पूरा सपोर्ट करेंगे और इसमें हम आपको 4 स्टार्स दे देंगे मतलब सारे न्यूज चैनल ऑल मीडिया इज कम्प्लीटली सोल्ड इन दिस कंट्री। रिलेशनशिप कैसे बनता है अब मान लीजिए ये वोडाफोन का आया
नेक्स्ट टाइम समथिंग इज हैपनिंग अगेंस्ट वोडाफोन, वोडाफोन इसको बोलता है कि बॉस वहाँ मेरा ये आ रहा है, और ऐसा नहीं कि वोडाफोन ने गलत काम किया होगा तभी फंसा गया, वोडाफोन को लगा कि यार प्लीज़ इसमें थोड़ा मेरा देखो, मैं तुम्हारा क्लाइंट भी हूँ, मैं तुम्हारा वी आर यू नो वर्किंग टुगेदर। तब उसमें क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर का जो मैनेजमेंट है थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है उसका, कि ठीक है यार ऑलरेडी मेरा क्लाइंट, तो सेल्स वाला भी जाके बोलता है कि यार नो दे आर गिविंग मी बिजनेस करन दो यार, तब हो जाता है, विच वॉज नॉट द केस विद यू दिस टाइम। तो भी यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट यू नो नथिंग विल गो देयर अनलेस यू आर कन्विंस्ड, राइट? बट टू अवॉइड द रिपोर्टर इज नॉट गोइंग टू हेल्प। अरे कैसे करेगा, मैं बैठा हूं ना, किसको ठोक दिया? अरे एक चीज बताओ मेरे को आप, जस्ट अपन इस तरीके से क्यों करें, मतलब मेरे को एक बताओ, चैनल जाके मान लो बोले सब बिजनेस हाउसेस को यार कोई बिजनेस आप हमें दो, हम करना चाहते हैं आपके साथ, तो आपको लगता है कि वो नहीं आएंगे ऐसे कोई हैं? हम क्या कर रहे हैं, सभी करते हैं, एवरीबॉडी इज द सेम बिजनेस, स्टॉप इफ यू स्टॉप योर बिजनेस विद द टाइम जो मिल गया हां दे विल स्टार्ट अप। आपको लगता है ये जो हमारी बजाने में लगे हुए थे अभी इसी कारण लगे हुए थे क्या? तो ये सब क्यों इस तरीके से इतना बड़ा अमाउंट और गलत सब सब पिडली सब अमाउंट आपको पता लगा उनका कहना अमाउंट तो बड़ा तो होता ही है जी। देखो प्यार में जो होता है ना वो बढ़िया होता है, अपने गन रख के करें ना कि भाई ये करो नहीं तो ये हम निकालेंगे, वो थोड़ा पढ़ना ही नहीं है। We are market spending of 25 crore for 4 years on our entire group. That's the proposal we have. Okay. Which is what I've heard. So, I think that's the way forward. Anyway, it's not something which I'm asking, which is out of the world, out of the... If you actually look at it, it's actually a win-win for both of us. You know? And it's something... And honestly, I'm telling you, when we do relationship with people, when we do relationship with advertisers, it's a relationship in which I will give you more than even you can ask for. You know? It's always going to be like that. It's never going to be a one-way street at all. फिर भी यदि आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो हम आपको ये बता सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट सही है, कौन सा गलत है, क्या है, क्योंकि हमें तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, आप सब देख के बोलोगे सब सही है सब गलत है, क्यों? वंस यू हैव रिलेशनशिप चाहे सही हो चाहे गलत हो उसको कोई यूज नहीं है। Now, forever. See, who kya raha hai? You're a professional, I'm a professional. I don't own my company. Sameer, you don't own your company. Who kya raha hai? कि बहुत बार गलत डॉक्यूमेंट के ऊपर में भी स्टोरी बन जा रही है, बनाई जा रही है, तो वो हम आपको करेक्ट कर देना कि ये सब आप करेक्ट कर दोगे तो मैं चला लूंगा। आप गलत डॉक्यूमेंट चला दोगे ना? हाँ यार, शायद गलत डॉक्यूमेंट पे चला दूंगा, मैं चलाऊंगा ही नहीं। अगर हम रिलेशनशिप करेंगे मैं चलाऊंगा ही नहीं, अगर रिलेशनशिप नहीं करेंगे तो वी सी व्हाट वी कैन डू बेस्ट टू ऑफ बियॉन्ड दैट।